पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बचपन में ही अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। नाम है जिनका सारिका ठाकुर। जन्म हुआ 5 दिसंबर सन 1962 में। ये बहुत छोटी ही थीं जब इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए और इनकी माँ कमल ठाकुर ने इनका दाखिला करा दिया फिल्मों में। इनकी माँ कमल ठाकुर एकदम कटिबद्ध थीं कि इनकी बेटी सारिका फिल्मों में काम करे, जिस वजह से मात्र 4 या 5 वर्ष की उम्र से ही सारिका अपने परिवार का बोझ उठाने लगीं। जरूर पूरी करूंगी, बोलो क्या चाहते हो। सारिका की अभिनय की पढ़ाई हुई मुंबई के फिल्म स्टूडियोज में, पर यह खुद कभी स्कूल न जा पाई। हालांकि इनकी माँ ने प्राइवेट ट्यूटर जरूर रखा था, पर फिर भी स्कूली शिक्षा सारिका को ना मिल सकी। अरे पगली, इस घर में तेरे होते हुए मेरी आंखें कौन बंद कर सकता है दीपा। सारिका का बचपन बड़ा ही त्रासदी भरा रहा। छोटी छोटी गलतियों पर इनकी माँ से इन्हें मार पड़ती। ये बड़ी हैरान रहती कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। काम तो अच्छा करती थी, फिल्म स्टूडियोज में दुनिया इनकी तारीफ करती थी और फिल्मों के दर्शक भी तारीफों के पुल बांधा करते थे, पर फिर भी जरा जरा सी गलती पर इनकी माँ इन्हें डांट देती थी। यहाँ तक कि इनकी पिटाई भी हो जाती। हद तो तब हो गई जब जबरदस्त अभिनेत्री सारिका अच्छा खासा काम करने के बावजूद 1500 रुपए खर्च कर बैठी। ऐसा बताया गया कि उन रुपयों से इन्होंने कुछ किताबें खरीदी थीं। किताबें पढ़ने का शौक सारिका को बचपन से रहा, पर जब इनकी माँ को पता चला कि 1500 रुपए खर्च हुए हैं तो इनकी खैर ना रही। ना बाबा ना, मैं माँ से कहूंगी ना तो माँ मुझसे पूछेंगी कि मैं आपकी सिफारिश क्यों कर रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी बोलो। जब तक सारिका 21 बरस की हुई तब तक इनकी माँ बहुत से फ्लैट्स मुंबई में खरीद चुकी थी, वही माया नगरी जहाँ पर जमीन के भाव आसमान से ऊपर पहुँच जाते हैं। सारिका ठाकुर इन तमाम बातों से अनभिज्ञ थीं। जब तक इन्हें यह एहसास होता तब तक इनका पैसा हड़पा जा चुका था। Impossible. मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती। मात्र 21 बरस की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, कुछ दिन अपनी गाड़ी में ही बिताए। बहूजी, दिल पर पत्थर रखकर सुन लो। ना इनके पास कपड़े थे ना पैसे, और सारिका किसी तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती चलती रही। हमारे बात का विश्वास नहीं है ना, तो आज खुद ही देख लियो। जाहिर सी बात है कि कुछ दोस्तों ने इनकी मदद की, जिस वजह से इनका गुजारा चल सका। तुम सच कह रहे हो? हाँ, एकदम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। थैंक यू। कमाल की बात यह है कि जबरदस्त अभिनेता सचिन पिलगांवकर के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। लोगों ने इनका नाम सचिन जी के नाम के साथ खूब जोड़ा। यहाँ तक कि मशहूर क्रिकेटर कपिल देव और डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी सारिका का नाम जोड़ा गया। पर सारिका इन तमाम खबरों को नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ती रही। आखिर वो होती कौन है मेरे पर्सनल मामलों में दखल देने वाली? बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इनकी पहली फिल्म रही हमराज। हालांकि बहुत सी फिल्मों में ये मास्टर सूरज बनी नजर आई। थी तो ये लड़की, पर लड़कों का किरदार निभाती नजर आई ये अपने बचपन में। इनके पहले डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा। हालांकि फिल्म हमराज के डायरेक्टर बीआर चोपड़ा थे, पर यश चोपड़ा साहब उनके असिस्टेंट रहे, इस वजह से चाइल्ड आर्टिस्ट के अभिनय की जिम्मेदारी यश जी पर थी। सारिका जी ने कई मर्तबा अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो यश जी के लिए तो जब तक है जान काम करती रहेंगी। अफसोस ये कि यश जी ये दुनिया छोड़ चल बसे। सारिका ने बचपन में ही बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया, चाहे वो मीना कुमारी रहीं या महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। वो और बात है कि हरी भाई यानी कि संजीव कुमार के साथ सारिका की जोड़ी खूब जमी। कभी ये उनकी बेटी बनकर आई, कभी सहेली तो कभी बीवी, और कभी कभी हीरोइन भी। संजीव कुमार ने इनकी बहुत मदद की, अभिनय सिखाया भी और प्रेरणा दी कि ये फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकें। भाग गया हीरो, अकेले सबको मार के भाग गया। इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, तभी
मशहूर मारूफ अभिनेता कमल हसन के साथ इनके रिश्तों की खबरें आईं। कमल हसन साहब पहले से शादीशुदा थे। अपनी पहली बीवी को तलाक दे वो सारिका के साथ आ तो गए, पर सारिका का ये मानना था कि कमल हसन से पहला बच्चा बिना शादी के हो रहा है तो दूसरा बच्चा भी वैसे ही हो, इसलिए श्रुति हसन और अक्षरा हसन को जन्म देने के बाद ही इन दोनों ने शादी की। अरे आंटी को नहीं पसंद तो रहने देना, प्यार हम दोनों करते हैं और आज हम दोनों जरूर मिलेंगे। और तब ऐसा लगा कि ये एक सुखी परिवार है, कमल हसन पिता, सारिका माँ, श्रुति और अक्षरा बेटियां। जब सारिका जी की शादी हुई तब इनकी उम्र मात्र 28 बरस थी। तकरीबन 17 साल तक ये शादी चली और फिर कमल हसन और सारिका अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। प्यार प्यार नहीं था। सारिका ने साउंड रिकॉर्डिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, डायरेक्शन, फिल्मों के सभी डिपार्टमेंट्स में काम किया और बड़ी मकबूलियत भी हासिल की। इन्हें फिल्म परजानिया के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। जब मशहूर मारूफ अभिनेता कमल हसन से इनका तलाक हुआ तो ये पुनः फिल्मों में आ गईं। बतौर अभिनेत्री इन्होंने पैसा भी कमाया, पर बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक काम करने के बाद सारिका जी को लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ना किया हो। हाँ माँ, मैं बस की छत पर सवार होकर आई हूँ, ये आजकल का फैशन है। टेलीविजन इंडस्ट्री में नजर आई, अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। टीवी सीरीज का नाम था युद्ध। ये मशहूर मारूफ अभिनेता फारूक शेख के साथ भी नजर आई थी। इसी बीच इनकी माँ का इंतकाल हो गया और मुंबई की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी माँ के नाम पर थीं। कोर्ट में ये केस चला कि इनकी माँ ने इन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। और वो हर बात में खामखा अपनी टांग अड़ाई जाती है। ये बात तो जग जाहिर रही कि सारिका बचपन में ही बहुत परेशान थी जब इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए। तो क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो? उसके बाद माँ के बर्ताव के चलते इन्होंने माँ का घर भी छोड़ दिया, शादी कमल हसन से की, फिर तलाक भी हुआ। इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया है उसकी फेहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, हीरोइन और कैरेक्टर आर्टिस्ट, सारिका ने हर किरदार में बता दिया कि वो एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। थैंक यू वेरी मच। निजी जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे पर अभिनय के क्षेत्र में इनका काम बेमिसाल रहा। फिर तो वाकई बड़ी ट्रेजेडी है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।